कल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होगी और इसके तहत नए नियम लागू होंगे। अगर आप पेनल्टी से बचना चाहते हैं तो आप आज आधार और पैन को लिंक करा लें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 1,000 रुपए जुर्माना देना होगा। इसके साथ साथ 1 अप्रैल से सैलरी, रेल के सफर, आईटी रिटर्न में कई बदलाव होने जा रहे हैं। तो कल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ कई नई चीजें आपको मिलेंगी देखने के लिए। पेनल्टी से बचने के लिए सबसे पहला काम आप ये करें कि आधार और पैन को लिंक करवा लें, नहीं तो 1,000 रुपए का जुर्माना आपको देना होगा। अविनाश तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है, उनके पास चलते हैं, जानते हैं कि बदलाव कल से क्या क्या होने जा रहे हैं। बताइए अविनाश। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो केंद्र सरकार 2019 में ये ऐलान किया था कि आधार को पैन के साथ लिंक करना होगा। इसकी वजह बताई गई थी कि टैक्स चोरी को रोका जा सके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है 50,000 के ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, शेयर बॉन्ड खरीदते हैं, लेकिन टैक्स नहीं जमा करते। यही कारण है कि आधार को पैन से लिंक कराया जा रहा है, जिससे कि तमाम सारे अकाउंट डिटेल जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रहे। उसकी आज आखिरी तारीख है और जो लोग ऐसा नहीं करते उनका पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा कल से, और इसके साथ साथ 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगेगा। क्योंकि अभी इसी वर्ष अगर बात करें तो वित्त विधेयक 2021 पारित किया गया है, जिसमें 234H सेक्शन जोड़ा गया है, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि पैन को आधार से लिंक किया जाए और जो ऐसा नहीं करते उनका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा और इसके साथ साथ 1,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। इसके अलावा जो पैन कार्ड डीएक्टिवेट होगा तो उसके खिलाफ भी जो है लेट लतीफी फीस लगेगी, जो कि 10,000 रुपए तक है। तो लिहाजा जो लोग ऐसा नहीं किए उनके लिए आज आखिरी मौका है, वो पैन को आधार से लिंक करा ले, अन्यथा कल से उनका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा और 50,000 रुपए के ऊपर का जो लेन देन है, म्यूचुअल फंड्स की जो खरीदारी है, शेयर बॉन्ड्स की जो खरीदारी है, नए बैंक खाते खुलवाने की जो प्रक्रिया है, वो नहीं कर पाएंगे। लिहाजा आज आखिरी तारीख है और उनको ऐसा करना अनिवार्य है जी। इसके अलावा भी कुछ चीजें कल से बदल रही हैं लोगों के लिए, आम लोगों के लिए 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष से। अविनाश, वो क्या है? देखिए अगर बात करें तो नए वित्तीय वर्ष में काफ़ी ज़्यादा जो है बदलाव किया जा रहा है। खासतौर से अगर बात करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बदलाव हो ही रहेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो रेल में भी बदलाव हो रहा है, क्योंकि अगर बात करें तो कई सारे ट्रेनों की जो समय सारणी उसमें बदलाव होगा। इसके साथ साथ अगर बात करें तो कुछ नए प्रावधान भी किए गए हैं, जिसके तहत जो तमाम सारे बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं उनको अब वो तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होंगे। तो लिहाजा कई सारे बदलाव कल से देखने को मिल रहे हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है आज की तारीख, और आज की तारीख में ही हर कोई अपना काम निपटा सकता है, अन्यथा कल से उनको तमाम सारे जो नए प्रावधान है उसके तहत उनको लेट लतीफ फीस भी देनी होगी, और इसके अलावा अगर बात करें तो उनके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश तिवारी इन जानकारियों के लिए। तो बहुत सारी चीजें कल से आपके लिए बदल रही हैं। रेल में अब आप बिना रिजर्वेशन के भी चल पाएंगे। इसके अलावा बेसिक सैलरी के नियमों में भी बदलाव किया गया है। ये तमाम चीजें इफेक्टिवली कल से लागू हो जाएंगे। जमीन के विवाद में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या की खबर आ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता मोहम्मद अकरम की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रिश्तेदारों पर इस हत्या का शक जा रहा है। फूलपुर संसदीय सीट से यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे मृतक मोहम्मद अकरम। मामा के परिवार से पिछले बहुत दिनों से रंजिश चल रही थी, पहले भी उन पर जानलेवा हमला हो चुका था। सुरक्षा को लेकर पुलिस और सरकार से कई बार उन्होंने गुहार भी लगाई थी। मामा मोहम्मद रईस और उसके साथी करिया बिंद पर हत्या करने का आरोप है। गंगा पार के झूसी थाना इलाके की घटना है, सनसनी प्रयागराज में इस हत्या के पास से। अगली बड़ी खबर आगरा से है। पति के सामने महिला से गैंगरेप किया गया। पीड़िता ने 3 युवकों पर इस गैंगरेप का आरोप लगाया है। 2 नामजद और 1 अज्ञात पर आरोप लगा है। जंगल में ले जाकर गैंगरेप का आरोप लगाया गया है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी। थाना एतमादपुर के छलेसर जंगल की घटना है। फोनलाइन पर है हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय। नितिन, ये सनसनीखेज खबर है, पुलिस क्या एक्शन ले रही है इस मामले में? पुलिस इस मामले में लगातार एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जो नामजद आरोपी है। दरअसल ये घटना 29 तारीख यानी परसों की शाम 6 बजे की है, जब अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पर वो शादरा चुंगी से होकर गुजर रही थी, तब झरना नाले के पास एक बुलेट सवार मोटरसाइकिल 3 लड़के आई, जिन्होंने उस युवती को, उस महिला को, शादीशुदा महिला को वो जंगल की तरफ ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, ऐसा उस महिला ने आरोप लगाया। और उसमें 2 आरोपी हैं, नामजद हैं और 1 अज्ञात है, जिसमें गौरी राजपूत और मौनू और 1 अज्ञात है।
जिसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है। तमाम आला अधिकारी और उस महिला के साथ साथ उस उन युवकों को पकड़ने की दबिश दे रहे हैं। एक युवक को हिरासत में भी ले लिया है, जो जानकारी सामने आई है, और उनके आधार पर पूरी घटना की तस्दीक सच्चाई पता की जा रही है और थोड़े वक्त में स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर एक्चुअल घटना क्या थी। और मुख्य तहरीर दी गई है, तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि अगर ये बिल्कुल ये पूरे इस मामले में जो पीड़िता ने जो कुल मिला के अगर आखिर बाकी एक बहुत सनसनीखेज घटना है और महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है। बिल्कुल बिल्कुल नितिन, महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है। आपने कहा कि एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है, क्या कोई पुरानी रंजिश भी थी आरोपियों में से और पीड़ित पक्ष में? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो दो नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है, तो ऐसे में जिसमें गौरी राजपूत और मोनू कुल मिला के जो पीड़िता है वो पहले से ही युवकों को अच्छे से जान पहचान रही है और जो आरोप है, जो घटनाक्रम रहा है, उसके आधार पर परसों शाम छह बजे को जब वो शारदा चुंगी इलाके से और जो चू चुकी वहाँ जंगल का इलाका है, झरना नाला काफी आगरा की शुरुआत पड़ती है फौजावा की तरफ से आते, तो वहाँ उसमें ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की जो बात सामने आई है। इसमें महिला पुलिस अधिकारी खुद SP जो बेस्ट है सत्यजीत गुप्ता खुद इस पूरे मामले में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। SSP आगरा मुनिराज वो खुद इस मामले में नजर और दोषी जो अगर लोग पूरी तरह से अगर बयानों में अगर कोई विरोधाभास नहीं आता, क्योंकि जो जानकारी मिली है थोड़ा बयानों में विरोधाभास है, अगर बयानों में विरोधाभास नहीं आता तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका।